तो देखिए आज धनतेरस है, लेकिन राजधानी रांची की सभी सड़कें जाम हो गई हैं। कडरू चौराहे पर भीषण जाम है, हिनू से मेकॉन आने वाली सड़क भी जाम है, किशोरगंज चौक पर भी जाम लगा है लंबा, और रातू रोड में भी काफी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। और ये जाम की स्थिति बनी है धनतेरस की वजह से, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, और ये इस भीड़ से देखिए कई रास्ते लगभग जो मेन जो एरिया है वहां पर सड़कें जाम हो चुकी हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी रांची की ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अजय देखिए ये तस्वीर एक अलग सी, पिछले साल जो सन्नाटा था इस बार एक अलग तस्वीर नजर आ रही है। सरकार ने रियायत भी दी है लेकिन धनतेरस पर खरीदारी के लिए लोग इतने संख्या में उमड़े हैं कि तमाम जो मेन स्पॉट्स हैं वो चौराहे वो सड़कें वो जाम है। बिल्कुल आरती, देखिए सबसे अहम बात है कि आज धनतेरस के मौके पर राजधानी रांची में जितने भी गाड़ियों के शोरूम है, करीब 35 से 40 शोरूम है राजधानी रांची में बड़ी गाड़ियों के और टू व्हीलर के, तमाम शोरूम से आज की तारीख में 100 से ज्यादा गाड़ियों की बुकिंग हो रही है, वो ऑन रोड हो रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि 40 गुना 100 करेंगी तो लगभग 400 के आसपास ऐसे ही फिगर आ जाता है, 4000 के आसपास। तो गाड़ियों का लंबा काफिला जाम तमाम लोगों को हमने देखा कि जाम को इस तरह से अमूमन जो आम दिनों में जो सड़कें जाम होती थी तो लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन आज जो सड़क जाम लगा है लोग एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। यह जानते हुए कि धनतेरस है, बड़ी संख्या में गाड़ियों की खरीदारी हो रही है, लोग सोने की खरीदारी कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि लंबे दिनों बाद राजधानी रांची में ऐसा दिखाई पड़ा है आरती। चलिए तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि धीरे धीरे ये भीड़ कम होगी, लोगों को सहूलियत होगी और लोग निकल पाएंगे इस जाम से। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।